हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर टू के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, उसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस तरह से होगी, कौन कौन से फैक्टर्स उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, और उसमें मैं आपको एक लॉ भी पढ़ाने वाली हूँ। तो आप हेडिंग लगाइए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जितनी भी एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, जितनी भी बेवरेजेस हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो लिक्विड के अंदर क्या होती है, डिसॉल्व होती है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गैस इन लिक्विड। और एग्जांपल देख लेते हैं, जितनी भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर, जितनी भी एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ही तो यूज़ करती हैं गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन में। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हुआ, गैस इन लिक्विड। क्लियर? तो आप एग्जांपल डाल लें कि मैं किसकी, मतलब मैं किसको ध्यान में रखते हुए सारे फैक्टर्स को पढ़ूंगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन लिक्विड, जितनी भी एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स उसमें क्या होता है, CO2 इन लिक्विड। क्लियर? या फिर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, तो बेसिकली आज हम इसकी स्टडी करने वाले हैं कि क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर इसको कैसे अफेक्ट करेगा, या फिर जो गैस है उसका नेचर किस तरह से डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी उसके ऊपर, या फिर प्रेशर। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसके फैक्टर्स को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आप इसमें हेडिंग लगाएंगे, इसकी भी सब हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो फर्स्ट फैक्टर आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज टेम्परेचर। सबसे पहले हम देखें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। क्लियर? फर्स्ट हेडिंग है टेम्परेचर। सबसे पहले हम जर्नल स्टडी करते हैं इसकी। जैसे मैंने एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ठीक है, इसमें क्या है, लिक्विड है, इसमें हमने गैस को क्या किया है, डिसॉल्व किया है। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, गैस पार्टिकल्स। क्लियर? अब मैं क्या करती हूँ, इस बर्नर को गर्म करती हूँ, इसके टेम्परेचर को क्या करती हूँ, रेस करती हूँ। तो अगर हम सिंपल कॉमन सेंस भी लगाएं तो क्या होगा, देखो अगर मैंने टेम्परेचर दिया इसको, तो गैस की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब इनमें मोमेंट जो है पार्टिकल्स का वो बढ़ जाएगा, और ये अपनी जगह से दूर भागने लगेंगे, यानी बेसिकली ये लिक्विड से क्या होने लगेंगे, सेपरेट होने लगेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसके पीछे लॉजिक देखें क्या है, जब हम किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो जो प्रोसेस होता है, कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, गैस है सॉल्यूट, लिक्विड है सॉल्वेंट, बनने वाला सॉल्यूशन है क्या, एक्चुअली लिक्विड सॉल्यूशन जिसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है और लिक्विड प्रेजेंट है। जब हम किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन जब ये इनको डिसॉल्व किया जा रहा होगा उस टाइम पर हीट रिलीज हो रही है, यानी कुछ किलो कैलोरी हीट मैंने क्या दिखा दी, एक्स मान लिया, थोड़ी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यानी ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक, ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड। और आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर आपको याद है, नहीं तो मैं आपको अभी बताती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये क्या बोलता था कि अगर कोई प्रोसेस पहले से ही एक्सोथर्मिक हो, यानी हीट रिलीज हो रही हो, और अगर आप उस केस में टेम्परेचर बढ़ा दें, पहले ही एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, और आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया,
तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। याद है ली चैटलियर प्रिंसिपल की, जब भी हम किसी फैक्टर टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जहाँ इनके इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो पहली एनर्जी रिलीज हो रही है, पहली हीट रिलीज हो रही है और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, समझ रहे हैं, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप क्या देखते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक हीट पहले ही रिलीज हो रही है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ें, इसको नोट करें, तब हम आते हैं सेकेंड फैक्टर पर। ओके, मैं रब कर रही हूँ उसको। ऑल राइट, तो ये तो बात हो गई टेम्परेचर की। देखो, अगर मैं यही सेम बात सॉलिड के सॉल्युबिलिटी की करती किसी लिक्विड में, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता, सॉलिड इन लिक्विड। शुगर को पानी में घोलने की बात करती तो टेम्परेचर बढ़ाने पर शुगर बहुत जल्दी डिजॉल्व होती, गर्म पानी में शुगर अच्छा डिजॉल्व होता है रादर देन कोल्ड वाटर, राइट। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, गैस इन लिक्विड, तो गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज हो जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर जो गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा, दैट इज नेचर ऑफ द गैस, गैस के नेचर पर। गैस के नेचर से सिंस सिंपल सी बात है, जिस लिक्विड में हम गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं, जिस भी लिक्विड में हम गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं, अगर वो गैस केमिकली सिमिलैरिटी रखती है, केमिकली किसके साथ, लिक्विड के साथ सिमिलैरिटी रखती है, तो उसका जो डिजोल्यूशन है वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो उसको देखते हुए हम क्या देखते हैं कि कुछ गैसेस होती है जैसे N2, O2, H2, ये सॉल्युबल होती है बट बहुत कम मात्रा में डिजॉल्व होती है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस आर इन स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम मात्रा में होती हैं। वहीं कुछ गैसेस ऐसी हैं CO2, अमोनिया एक्सेट्रा, ये मैक्सिमम एक्सटेंट में किसी लिक्विड में क्या होती हैं, डिजॉल्व होती हैं, डिजॉल्व इन मैक्सिमम एक्सटेंट। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि कुछ गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है, कुछ गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो आप उसके लिए एक फैक्टर ज़रूर ऐड करेंगे, दैट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोला मैंने, क्रिटिकल टेम्परेचर, एक टर्म आई है क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो गैस उतनी ही जल्दी लिक्विफाई हो जाती है। अब सिंपल सी बात है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है वो गैस उतनी जल्दी लिक्विफाई होगी, और कोई गैस अगर लिक्विफाई हो रही है तो वो लिक्विड में जल्दी से डिसॉल्व होगी ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ने पर गैस का जो लिक्विफिकेशन है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस ईजी हो जाता है या बढ़ जाता है हम बोले, तो उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इनक्रीज। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। ये जो मैं एरो बना रही हूँ ना ऊपर की तरफ, इसका मतलब बढ़ रही है, अगर मैं नीचे एरो बनाऊँगी तो डिक्रीज हो रही है। क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ने पर गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जल्दी हो जाती है, बढ़ जाती है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो अगर हम देखें N2, O2, H2, ये इनकी सॉल्युबिलिटी, जो ये गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम एक्सटेंट में है, कम मात्रा में डिजॉल्व होती हैं, क्योंकि इन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम होता है। कैसा होता है, कम होता है, और इन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है।
ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ने पर गैस उतनी ही जल्दी लिक्विफाई होगी, और जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी वो किसी लिक्विड में उतनी जल्दी क्या होगी, डिजॉल्व होगी। तो बेसिकली जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, वो गैस के नेचर पर भी डिपेंड करती है। आई होप आपको क्लियर हो गई ये सब बातें, तो आप इसे नोट करें। देन वी विल मूव ऑन थर्ड फैक्टर, दैट इज प्रेशर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए मैं रब कर रही हूँ सेकेंड फैक्टर। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो गैस उतनी ही जल्दी लिक्विफाई होगी, जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस इन लिक्विड। क्लियर? चलिए थर्ड फैक्टर, आप बीच में पॉज करके नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ भी आपका छूटता है आप पॉज करें और उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, दैट इज प्रेशर, और इसका रोल सबसे ज़्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर बढ़ाने पर सोच के देखो, अगर हम किसी भी कंटेनर के अंदर गैस है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड था, क्लियर। इसमें हमने गैस के पार्टिकल्स को क्या किया हुआ है, डिसॉल्व किया हुआ है। इस पर थोड़ा वेट रखा हुआ है, एक वेट रखा हुआ है W1, ठीक है, W1 वेट रखा है, ठीक है। तो इस लिक्विड के अंदर आप क्या देख रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो इसके अंदर क्या हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मैं एक वेट W1 था, एक और वेट रख देती हूँ W2, तो आप सोचो क्या होगा, ये गैस कंप्रेस होगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, साफ से नज़र आ रहा है। तो हम एक डायग्राम और ड्रॉ कर लेते हैं इसके जैसा सेम। हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, बिल्कुल बराबर। अब मैं इसके ऊपर क्या रख रही हूँ, W1 के साथ साथ W2 एक और वेट ऐड कर रही हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा वेट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैस गेट कंप्रेस्ड, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ बना दूँ, ठीक है, आपकी बार, क्योंकि इसके ऊपर W1 था और मैंने एक और वेट रख दिया, दैट इज़ W2, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये लिक्विड है, गैस के पार्टिकल पास आ जाएंगे, गैस के पार्टिकल पास आ जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है। सपोज इस पर यूनिट वॉल्यूम में गैस के पार्टिकल आ रहे हैं 3, आप देख रहे हो 1, 2, 3, ठीक है। जब वॉल्यूम कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स पास पास आ गए, अब की बार है ना, और पर यूनिट वॉल्यूम गैसियस पार्टिकल्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। देखो मैं ग्रीन से बनाती हूँ ताकि आपको सेम नज़र आए। पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर देखो मैं लिख रही हूँ पर यूनिट वॉल्यूम गैसियस पार्टिकल्स इंक्रीजेस। कब? प्रेशर बढ़ाया तो गैस गेट कंप्रेस्ड, क्लियर। और जब गैस कंप्रेस हुई तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स क्या हो गए, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल इंक्रीजेस। तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी ओवरऑल बात करूं तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और प्रेशर को ही मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेनरीज लॉ और उसकी एप्लीकेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो किसको लेके चले हैं, प्रेशर को, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने सारे फैक्टर्स देखे जो गैस की सॉल्युबिलिटी को क्या अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट था टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ गैस, एंड थर्ड इज प्रेशर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। थैंक यू सो मच।